नागौर से मौजूदा सांसद तीसरा विकल्प पेश कर देंगे, ये तो खुद अपनी सीट नहीं बचाते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि शुरुआत है रुझानों में। राकेश जी ये तस्वीरें चलती रहे और राकेश जी की कमेंट्री पीछे आती रहे, या बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है ढोल नगाड़ों के साथ, लेकिन कहीं ऐसा बीजेपी एज बीजेपी तो एज ले रही है और आरएलपी के लिए बहुत ये एक दुखद खबर भी रहेगी कि उनके जो मेन मुखिया है वही अपनी सीट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं, और जितना बढ़ चढ़ के उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और जिस तरीके बीजेपी से अलग होकर उन्होंने अपना एक पार्टी खड़ी करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है ये शायद अंत की तरफ ये जा रहे हैं, और बड़ा एक सरप्राइजिंग भी है और बड़ा एक हैरानी वाला भी है। जनता ने विश्वास मेवाड़ जीतता है वो राजस्थान में सत्ता का जो रास्ता है वो मेवाड़ से होके जाता है, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट है 10 सीटों पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है रविंद्र और जोधपुर से जोधपुर से 4 राउंड की मतगणना यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है, लेकिन अगर हम राजसमंद जिले की बात करें, मैं वही जिक्र कर रहा था जी, मेवाड़ की राजसमंद की सभी सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, यानी कि 2018 में मेवाड़ बीजेपी ने जीता था, सरकार नहीं बनाई थी, लेकिन अभी राजसमंद जो कि मेवाड़ का ही हिस्सा बनता है उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन जोधपुर में जोधपुर की 5 सीटों पर आगे बीजेपी नजर आ रही है। नगर की बात करते हैं, जी हाँ, ये भरतपुर की नगर सीट वाजिब अली कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, लगता है कि जो बीजेपी की बागी उम्मीदवार थी आशा मीणा, बीजेपी की जो बागी थी उसका असर यहां पर दिख रहा है और कांग्रेस आगे चल, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वाजिब अली, वे आगे चल रहे हैं, लेकिन लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जितने कद्दावर चेहरे हैं वो इस वक्त रुझानों में असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, इसमें दोनों पार्टियों का रुख करना पड़ेगा, अगर हम बात तारानगर सीट की करें, पीछे राजेंद्र राठौड़ भी दूसरे राउंड की गिनती में काउंटिंग में पिछड़ रहे थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पिछड़ रहे थे, तो चौंकाने वाले नतीजे दोनों खेमों में। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। 100% बदल रहे हैं धीरे धीरे, आप देखना बदल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 100% बदल रहे हैं, चेहरे की हवाइयां भी, या यूं कहें कि मतलब हवाइयां तो नहीं, लेकिन उम्मीद है रिएक्शंस भी यहां पर, गोविंद सिंह डोटासरा को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, रुझान जैसे जैसे जो है वो बदलते जाएंगे, नतीजों में कन्वर्ट होते जाएंगे, ये जो ट्रेंड इस वक्त हम देख पा रहे हैं रविंद्र, क्या चला क्या है आखिरकार, क्योंकि ओपीएस की बात हुई थी जातिगत जनगणना की बात हुई थी, स्कीम की बात हुई, योजनाओं की बात की थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत